स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एट योर होम एंड यू आर डूइंग द स्टडी वेल. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रेड द अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी. आई होप यू हैव लिसन द वीडियो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड. उसमें हमने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में कि डाइवर्सिटी क्या है, ये डाइवर्सिटी जो है हमारी कंट्री में किस तरह एग्जिस्ट करती है और कैसे हमारी कंट्री की एक इंटीग्रेशन का पार्ट है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में कैसी है. हमने उस चैप्टर में सारे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़े. अब है इस चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डाइवर्सिटी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से किया जाता है, उसके जो है नेगेटिव एस्पेक्ट, यानी कि जो इसके नेगेटिव अप्रोच है वो पढ़ेंगे. नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी. अब नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी में क्या है कि समटाइम जो क्या होता है, डाइवर्सिटी कॉजेज डिस्क्रिमिनेशन. ये डाइवर्सिटी जो है किसका कारण बन जाती है, भेदभाव का कारण बन जाती है. जनरली वी अक्सर जो है हम अपने आप को सेफ फील करते हैं जब हम अपने जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जो हमारे जैसे खाते हैं, हमारे जैसी बातें करते हैं, हमारे जैसे पहनावा पहनते हैं, यानी कि जो हमारे कल्चर के स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एट योर होम एंड यू आर डूइंग द स्टडी वेल. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रेड द अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी. आई होप यू हैव लिसन द वीडियो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड. उसमें हमने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में कि डाइवर्सिटी क्या है, ये डाइवर्सिटी जो है हमारी कंट्री में किस तरह एग्जिस्ट करती है और कैसे हमारी कंट्री की एक इंटीग्रेशन का पार्ट है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में कैसी है. हमने उस चैप्टर में सारे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़े. अब है इस चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डाइवर्सिटी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से किया जाता है, उसके जो है नेगेटिव एस्पेक्ट, यानी कि जो इसके नेगेटिव अप्रोच है वो पढ़ेंगे. नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी. अब नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी में क्या है कि समटाइम जो क्या होता है, डाइवर्सिटी कॉजेज डिस्क्रिमिनेशन. ये डाइवर्सिटी जो है किसका कारण बन जाती है, भेदभाव का कारण बन जाती है. जनरली वी अक्सर जो है हम अपने आप को सेफ फील करते हैं जब हम अपने जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जो हमारे जैसे खाते हैं, हमारे जैसी बातें करते हैं, हमारे जैसे पहनावा पहनते हैं, यानी कि जो हमारे कल्चर के. स्ट्रेंज, अनफैमिलियर एंड इनसिक्योर अमंग पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, यानी कि जो है जो हमसे बिल्कुल अलग हैं, जिनको हम जानते नहीं, उन लोगों के साथ हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, अपने आप में असुरक्षित फील करते हैं. और वी ऑफन हैव सर्टेन नेगेटिव एटीट्यूड. और अक्सर जो है इस तरह जो है उन लोगों के प्रति जो है हमारा नेगेटिव एटीट्यूड रहता है और नेगेटिव हमारे ओपिनियंस रहते हैं. अब समटाइम ऑफ दीज ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स आर एज फॉलो. किस तरह है कि हम एटीट्यूड्स और ओपिनियन, किस तरह के विचार जो है उन लोगों के लिए रखते हैं. सबसे पहले क्या है लेके चलते हैं, प्रिजुडिस. प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है कि जब बिना किसी को जज किए, बिना किसी को जाने पहचाने किसी के प्रति हम अपनी नेगेटिव अप्रोच को रखते हैं, उसको जो है ये समझते हैं कि ये इन्फीरियर है, चाहे वो कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, किसी कम्युनिटी के बेस पे हम उनके प्रति जो है एक नेगेटिव अप्रोच लेके चलते हैं. इट मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और लुक एट दम एज इन्फीरियर, यानी कि उनको जो है हम एक पीपल जो है बिसच ओपिनियन इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्सपीरियंस. इस तरह के जो ओपिनियन और जो ओपिनियन और एटीट्यूड जो फॉलो करते हैं, कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई उन्होंने किसी के साथ व्यवहार नहीं किया होता है, बस उनकी एक कम्युनिटी के बेस पे जो है वो एक नेगेटिव जजमेंट लेके चलते हैं. पीपल अंडर प्रिजुडिस एंड जॉन्डिस ऑब्जर्वेशन थिंक दैट देयर वे इज द बेस्ट. इस पूर्व धारणाओं के आधार पे, प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है, पूर्व धारणा है, जो बिना किसी को जाने पहचाने एक नेगेटिव अप्रोच बना लेना, उसे प्रिजुडिस बोला जाता है. इसके बेस पे लोग क्या सोचते हैं कि जो हम लोग सोचते हैं, हमारा लोग हमारे लोगों का करने का काम, जो काम करने का तरीका है और जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ठीक है. इस कारण से वो दूसरों की ओपिनियंस की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. इस तरह का जो बिहेवियर जो है अपने आप में क्या क्रिएट करता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है. और जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम क्या लेके चलते हैं, इफ़ वी थिंक दैट आर रिलीजन इज द बेस्ट, कि हम क्या सोचते हैं कि जो हमारा रिलीजन है, हमारा रिलीजन ही बेस्ट है, अदर रिलीजन सा इन्फीरियर और हैव नो सिग्निफिकेंस, यानी कि दूसरे रिलीजन जो है इन्फीरियर है, उनका अपने आप में कोई महत्व नहीं है. वी आर जजिंग
आप जो है दूसरे रिलीजन को हम एक नेगेटिवली जज कर रहे हैं, एक गलत तरीके से सोच रहे हैं, एज ए रिजल्ट अब इसका क्या रिजल्ट होगा, जो उस रिलीजन को मानने वाले लोग होंगे उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनके साथ क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। अ पर्सन जो है किस किस बेस पे जो है, मैंने पहले ही बताया कि कम्युनिटी के बेस पे, ये कम्युनिटी के बेस पे चाहे लैंग्वेज के बेस पे, वो किस तरह की भाषा बोलता है, कैसा कल्चर है, रिलीजन के बेस पे किस विश्वास को वो मानता है, रीजन के बेस पे, कलर के बेस पे जो है किसी दूसरे पर्सन के प्रति जो है वो एक प्रिजडाइस रखना, एक पूर्व धारणा रखना। कई बार जो समटाइम आर प्रिजडाइस सो डोमिनेट इन आर माइंड दैट वी डोंट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड विद पीपल ऑफ द अदर कम्युनिटी। कई बार जो है ये पूर्व धारणा इतनी ज़्यादा हमारे माइंड पे हावी हो जाती है कि हम दूसरे कम्युनिटी के लोगों को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में ही नहीं रखना चाहते, उनके साथ बात भी करना नहीं पसंद करते। इस तरह का बिहेवियर क्या करता है, दूसरे लोग को हर्ट करता है, दुखी पर्सन में भी फिर जाए पर्सन जो है किस किस बेस पे जो है, मैंने पहले ही बताया कि कम्युनिटी के बेस पे, ये कम्युनिटी के बेस पे चाहे लैंग्वेज के बेस पे, वो किस तरह की भाषा बोलता है, कैसा कल्चर है, रिलीजन के बेस पे किस विश्वास को वो मानता है, रीजन के बेस पे, कलर के बेस पे जो है किसी दूसरे पर्सन के प्रति जो है वो एक प्रिजडाइस रखना, एक पूर्व धारणा रखना। कई बार जो समटाइम आर प्रिजडाइस सो डोमिनेट इन आर माइंड दैट वी डोंट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड विद पीपल ऑफ द अदर कम्युनिटी। कई बार जो है ये पूर्व धारणा इतनी ज़्यादा हमारे माइंड पे हावी हो जाती है कि हम दूसरे कम्युनिटी के लोगों को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में ही नहीं रखना चाहते, उनके साथ बात भी करना नहीं पसंद करते। इस तरह का बिहेवियर क्या करता है, दूसरे लोग को हर्ट करता है, दुखी इस तरह का बिहेवियर दूसरे लोगों को क्या करता है, दुख पहुँचाता है। ठीक है, दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द डाइवर्सिटी। ये अपने आप में क्या है, डाइवर्सिटी का जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। दिस इज अ डेंजर फॉर द, अभी ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी नेशन की यूनिटी के लिए क्या करता है, एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। अब इसी तरह का दूसरा जो है हमारे पास वो कौन सा है, डिस्क्रिमिनेशन जो डाइवर्सिटी के बेस पे हम जो करते हैं वो है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स में क्या होता है, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, यानी कि जो है जब लोगों को बिना किसी के जाने हम एक अपने मन में एक इमेज बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहा जाता है। इट इज़ अ फिक्स्ड आइडिया और इमेज दैट मैनी पीपल हैव फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग और पर्सन, बट सच एन आइडिया इज ऑफन नॉट ट्रू। यानी कि कुछ अपने जो है लोग जो है अपने माइंड में एक आइडिया या इमेज बना लेते हैं एक पर्टिकुलर पीपल्स के प्रति, पर्टिकुलर और जाने पे बिना जाने पहचाने, चाहे वो आइडियाज़ या उनके जो है वो आइडियाज़ अक्सर जो है वो सच भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से, जब ये कहते हैं कि गर्ल्स आर मेंटली वीक, लोगों के माइंड में एक इमेज बना ली कि लड़कियां वीक होती हैं, मेंटली वीक होती हैं, बॉयज़ इमोशनली वीक होते हैं, और पीपल ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट आर क्रिमिनल, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को कहा जाए कि इस कम्युनिटी के लोग क्रिमिनल होते हैं और मेंटली वीक होते हैं, देन क्या होता है, ये अपने आप में क्या क्रिएट करें, स्टीरियोटाइप। यानी कि जो हमने एक फिक्स आइडिया रख लिया पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति, दिस आइडिया और इमेजेस हैव नो रीजन, उसके प्रति कोई रीजन नहीं है, हमने किसी को देखा नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, बस एक आइडिया के बेस पे जो है हमने कह दिया। एवरी पर्सन हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट में नॉट बी अ क्रिमिनल और मेंटली वीक। अब जो है सब एक कास्ट से बिलोंग करने वाले, एक कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले सभी पर्सन जो है उसके क्रिमिनल तो नहीं होंगे ना। अब लेकिन एक कास्ट के बेस पे,